हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए एस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है बुद्धि। तो इस वीडियो में हम बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और बुद्धि के सिद्धांत, इतनी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पे अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बुद्धि। बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धि होती क्या है। बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है। क्या होती है व्यक्ति की? यह एक जन्मजात शक्ति होती है और मानसिक योग्यता होती है जो व्यक्ति को समायोजन करने, समस्या समाधान करने, तर्क और वितर्क करने, चिंतन और मनन करने की क्षमता प्रदान करती है। तो क्या क्या प्रदान करती है? कहीं भी किसी भी स्थिति में व्यक्ति को समायोजन करने, किसी भी समस्या का समाधान खोजने, किसी भी परिस्थिति में तर्क वितर्क करने, चिंतन और मनन करने की क्षमता बुद्धि प्रदान करती है। तो ये हो गई बुद्धि। अब इसमें एक पॉइंट देखेंगे। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया था? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि को अमूर्त संप्रत्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो किस रूप में स्वीकार किया जाता है? अमूर्त संप्रत्यय के रूप में। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे बुद्धि का अर्थ। बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं, ये तो हो गया था। अब देखेंगे बुद्धि का अर्थ इसी से निकलता है। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण है। तो अभी आपको बताया गया जो कि बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं, तो इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण क्या हुआ? बुद्धि। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटर प्लस लिजियर से मिलकर हुई है। किससे हुई है? तो बुद्धि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के कौन कौन से दो शब्द हैं? इंटर प्लस लिजियर शब्द से मिलकर हुई है, जिनका क्रमशः अर्थ है बहुत में से चयन करना। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आपके सम्मुख, उसमें से किसी एक चीज़ का चयन करना क्या है? बुद्धि है। अतः इंटेलिजेंस का शाब्दिक अर्थ होता है अनुकूलनशील विकल्पों की क्षमता। मतलब कई सारे विकल्पों में आप अपने अनुकूलनशील विकल्प को चुन लें, चुनने की क्षमता। तो ये क्या हो गया? बुद्धि का अर्थ। परंतु बुद्धि के बारे में मनोवैज्ञानिकों की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। ये तो सामान्य अर्थ हो गया बुद्धि का, लेकिन बहुत से मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे हम आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखते हैं, तो आगे देखेंगे बुद्धि की परिभाषाएं। फर्स्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखेंगे, जैसे फ्रीमैन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किस किस चीज़ की योग्यता है? एक वर्ड है देखिए, समायोजन, यहाँ पर कॉमा, अधिगम मतलब सीखने, और अमूर्त चिंतन। इन्होंने तीन शब्द कहा है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, अधिगम की योग्यता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो जिसमें तीनों वर्ड आ जाएं वो क्या हो जाएगा? फ्रीमैन के अनुसार परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं टर्मैन के अनुसार। टर्मैन ने क्या कहा है? बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता है। अब जैसे बुद्धि के बारे में कुछ लोगों ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन कहा है, कुछ लोगों ने कहा है कि बुद्धि जो है वह अधिगम करने की योग्यता है या सीखने की योग्यता है, और कुछ लोगों ने कहा है कि समायोजन की योग्यता है। तो बुद्धि को तीन तरह से परिभाषित किया गया है, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो जो फ्रीमैन अभी पिछली परिभाषा बताई गई, तो उन्होंने इन तीनों ही चीज़ों का समायोजन किया। मतलब अपनी परिभाषा में तीनों ही चीज़ें डाला है उन्होंने कि बुद्धि समायोजन की भी योग्यता है, सीखने की भी योग्यता है और अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है। तो ये तीनों वर्ड जहाँ पर आ जाएँ वह हो जाएगी परिभाषा फ्रीमैन की। टर्मन ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। इन्होंने किस पर महत्व दिया? अमूर्त चिंतन पर। नेक्स्ट परिभाषा है बकिंघम की। इन्होंने क्या कहा है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, या कह सकते हैं बुद्धि अधिगम की योग्यता है। तो इन्होंने किस पर बल दिया? सीखने पर। तीन चीज़ें बताई गई हैं आपको, तीन वर्ड, समायोजन, सीखना और अमूर्त चिंतन। इन्हीं तीनों वर्डों में बुद्धि की सारी परिभाषाएँ दी गई हैं।
तो फ्रीमैन ने तीनों वर्डों का यूज किया, टरमैन ने अमूर्त चिंतन का यूज किया, बकिंगहम ने क्या कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, नेक्स्ट परिभाषा है डियरबॉर्न, इन्होंने क्या कहा है बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, इन्होंने क्या नाम दिया सीखने मतलब अधिगम की, और जो अनुभव अनुभव होते हैं उसका लाभ उठाने की योग्यता है। तो इसमें दो वर्ड हैं सीखने और अनुभव। नेक्स्ट परिभाषा है वुडवर्थ की, इन्होंने क्या कहा है बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है, क्या कहा इन्होंने वुडवर्थ ने कि बुद्धि से क्या तात्पर्य है कि किसी योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये हो गई वुडवर्थ। तो वुडवर्थ की परिभाषा कंप्लीट हुई, क्या इन्होंने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता, क्या बुद्धि से तात्पर्य है किसी योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट परिभाषा है अल्फ्रेड बिनर की, इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि में चार शब्द निहित होते हैं, कौन कौन से ज्ञान आविष्कार निर्देश और आलोचना। तो यहाँ पे ये चारों शब्द ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने कहा है कि बुद्धि चार शब्द में निहित होती है वह परिभाषा है अल्फ्रेड बिनर की, कौन कौन से शब्द हैं ज्ञान आविष्कार निर्देश और आलोचना। तो ये बुद्धि की परिभाषाएँ कंप्लीट हुई, अब हम देखेंगे बुद्धि के प्रकार, बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है देखते हैं आगे। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बौद्धिक योग्यताओं को तीन वर्गों में रखते हुए तीन प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है जो निम्न है। अब देखिए बुद्धि को कई प्रकारों में बांटा गया है लेकिन सभी को नहीं बताया जा सकता, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा है थॉर्नडाइक एवं गैरेट का वर्गीकरण, जिन्होंने बुद्धि को तीन वर्गों में बांटा है। तो पहला वर्ग कौन सा है अमूर्त बुद्धि, पहला हो गया अमूर्त बुद्धि, दूसरा हो गया मूर्त या स्थूल बुद्धि, या इसी को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, मूर्त स्थूल या यांत्रिक तीनों ही इसके नाम हैं, और थर्ड हो गया सामाजिक बुद्धि। तो कितने प्रकार में बांटा गया है तीन प्रकार में, अमूर्त बुद्धि मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब आगे इनके बारे में डिटेल से देखेंगे अमूर्त बुद्धि क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे अमूर्त बुद्धि, फर्स्ट पॉइंट है इसमें इसकी आवश्यकता गणितीय शाब्दिक प्रतीकात्मक या संकेतिक विषय वस्तु को समझने एवं तत्संबंधी समस्याओं के समाधान में पड़ती है। क्या होता है अमूर्त बुद्धि कि इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, गणितीय शाब्दिक प्रतीकात्मक या संकेतिक विषय वस्तु को समझने में एवं तत्संबंधी जो समस्याएँ होती हैं वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है इसका संबंध पढ़ने लिखने एवं तार्किक चिंतन से होता है, तो इस अमूर्त बुद्धि में क्या होता है तर्क वितर्क करने की इसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट है शब्दों संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने में अमूर्त बुद्धि का ही योगदान होता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता हो वही क्या हो गई अमूर्त बुद्धि। अमूर्त चिंतन मतलब उसके प्रत्यक्ष या सम्मुख कुछ चीज ना हो तब भी वह उसके बारे में सोच ले तो वह क्या हो जाएगा अमूर्त चिंतन। तो जिसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता हो वही हो जाएगी अमूर्त बुद्धि। जैसे कुछ लोगों के जैसे देखते हैं किन में होती है अमूर्त बुद्धि, दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिक्षकों चिकित्सकों आदि में अमूर्त बुद्धि होती है। तो इनमें कौन सी बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि, इनके अंदर अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है, तर्क वितर्क करने की भी क्षमता होती है। तो ये अमूर्त बुद्धि कंप्लीट हुई, अब नेक्स्ट देखते हैं मूर्त बुद्धि या इसी को कहते हैं यांत्रिक बुद्धि, इसका एक और नाम भी है स्थूल बुद्धि। इसे देखते हैं ये क्या होता है, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं तो मूर्त बुद्धि को, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानने समझने तथा उनका व्यवहारिक प्रयोग कर सकने में सक्षम होता है। मूर्त बुद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति के सम्मुख जो चीज़ें होती हैं तो उन विभिन्न चीज़ों के बारे में जानने समझने और उनका व्यवहार उनके मतलब जीवन में क्या उपयोग हैं उनका व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम होता है। तो जिसमें ये होता है तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रयोग अधिक से अधिक उपकरणों मशीनों के प्रयोग को समझने में किया जाता है। तो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, अधिकतर ज़्यादातर उपकरणों या मशीनों को समझने में किया जाता है। जैसे इसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है उसके सम्मुख कोई खिलौना पड़ा है, कोई साइकिल या कोई घड़ी है, तो उसको वह इधर उधर खोल खाल कर ठीक कर ले, तो वह उसमें कौन सी बुद्धि हो जाएगी मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे इंजीनियर मैकेनिक कारीगर
इत्यादि में मूर्त बुद्धि होती है। तो इनमें कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? यह व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायक होती है। तो सामाजिक बुद्धि से क्या होता है? व्यक्ति को उसके परिवेश में समायोजन स्थापित करने में सामाजिक बुद्धि सहायक होती है। इससे व्यक्तियों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की क्षमता विकसित होती है। तो जिनमें सामाजिक बुद्धि होती है वह अपने आसपास या अपने परिवेश के व्यक्तियों को समझ सकते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, तो वैसे वो क्षमता भी उनके अंदर विकसित होती है। तो यह हो जाएगी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे राजनेता समाज से संबंधित होते हैं, समाज सेवी ये भी समाज से संबंधित होते हैं, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ आदि में सामाजिक बुद्धि होती है। तो यह सब किससे संबंधित होते हैं? समाज से संबंधित होते हैं। और समाज के व्यक्तियों को समझने और उनके साथ कैसा व्यवहार करना है ये सभी ने पता होता है। तो इनमें इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि। तो हमारी तीनों बुद्धियाँ यहाँ से कंप्लीट हुई। अब आगे देखेंगे बुद्धि की विशेषताएँ। बुद्धि की कुछ विशेषताएँ देखेंगे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट है, बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि कैसी योग्यता है? बुद्धि जन्म से ही होती है, तो ये एक जन्मजात योग्यता है। नेक्स्ट, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ये तो आपको स्टार्टिंग में ही पॉइंट बताया गया है कि बुद्धि को क्या माना जाता है, अमूर्त संप्रत्यय के रूप में बुद्धि को स्वीकार किया जाता है। किस क्षेत्र में? मनोविज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। तो व्यक्ति के सम्मुख जब कोई कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं तो उसके समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बुद्धि की। तो बुद्धि उन कठिन परिस्थितियों को क्या बना देती है? जटिल से सरल बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि व्यक्ति को जीवन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। व्यक्ति की जो जीवन में विभिन्न परिस्थितियाँ आती हैं तो उनके साथ कैसे सामंजस्य करना है यह गुण कौन प्रदान करता है? बुद्धि प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। बुद्धि टाइम टाइम पर बदलती रहती है, कैसा उसे वातावरण मिल रहा है उसके हिसाब से, और विकासशील मतलब धीरे धीरे वह विकसित भी होती रहती है। तो यह परिवर्तनशील भी होती है और विकासशील भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिंग जाति धर्म का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जैसे अलग अलग धर्म के हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म के लोग हैं या अलग अलग जाति के हैं तो इसका बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई जिस किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो, लड़की हो या लड़का। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि लड़के में बुद्धि ज़्यादा होती है लड़कियों में बुद्धि ज़्यादा होती है। तो यह सभी में अलग अलग तरह होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसमें कम होती है और किसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि की विशेषताएं कंप्लीट हुई। अब क्या है? बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया, ये तीनों ही कारक बुद्धि को प्रभावित करते हैं। वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जिस तरह के वातावरण में रहता है उसकी बुद्धि उसी तरह से होती है, ज़्यादातर ऐसे देखा गया है। तो क्या होता है? वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम बुद्धि जन्मजात क्रिया है, वंशानुक्रम का भी बुद्धि में प्रभाव पड़ता है, और वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का भी बुद्धि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है एक कारक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है पहला? एक कारक का सिद्धांत, या इसी को एक तत्व का सिद्धांत भी कह सकते हैं। किसने दिया है इसे? अल्फ्रेड बिने ने। मेन अल्फ्रेड बिने थे, उनके साथ उनके कुछ सहयोगी भी थे जैसे स्टर्न और बिने। स्टर्न और टर्मन है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बिने नहीं बल्कि टर्मन होगा। स्टर्न और टर्मन इनके सहयोगी थे और जो मेन पर्सन थे वह थे अल्फ्रेड बिने। अगर कभी आए एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था इस सिद्धांत में? इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अंदर एक तत्व है जो सभी व्यक्तियों में एक समान होती है। क्या कहा इन्होंने? कि प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उसके अंदर सिर्फ एक तत्व होता है और वह तत्व सभी व्यक्तियों के अंदर समान होता है। आगे देखते हैं, जैसे इसे समझते हैं, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है वह उसी बुद्धि के कारण कवि, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, कलाकार भी उसी कोटि का हो सकता है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि जैसे कोई व्यक्ति है और वह किसकी योग्यता रख रहा है? डॉक्टर बनने की।
लेकिन अगर वह कवि, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, कलाकार भी बनेगा तो उसी बुद्धि के कारण बनेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सब में केवल सब में एक ही बुद्धि होती है और वह उसी बुद्धि के कारण ही चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे वैज्ञानिक बन जाए, चाहे संगीतज्ञ बन जाए, चाहे कलाकार बन जाए, लेकिन बुद्धि सब में एक ही होती है। तो यह सिद्धांत जो था इसको यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति साइंस में ज़्यादा होशियार है तो वह मैथ में भी होशियार हो, या कोई व्यक्ति इंग्लिश में ज़्यादा होशियार है तो वह साइंस भी उसे उतनी ही आती हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति में एक ही बुद्धि होती है। हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, अलग अलग उसकी योग्यताएँ होती हैं। ये सिद्धांत जो है यह अमान्य कर दिया गया, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अब नेक्स्ट दूसरा सिद्धांत देखते हैं, द्विकारक या द्वि तत्व का सिद्धांत। इसे किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के थे। तो ध्यान दीजिएगा, एक कारक का सिद्धांत जो दिया था उसे दिया था अल्फ्रेड बिने ने, और दो कारक का सिद्धांत जो दिया था वह दिया था स्पीयरमैन ने। एक कारक का जो सिद्धांत है वह बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, उसके बाद आया था दो कारक का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था? इनके अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से तत्व? सामान्य तत्व या विशिष्ट तत्व, इन्हीं को कह सकते हैं सामान्य कारक या विशिष्ट कारक। सामान्य कारक मतलब जनरल फैक्टर, विशिष्ट कारक मतलब स्पेशल फैक्टर। तो बुद्धि जो होती है वह दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। आगे देखेंगे, सामान्य कारक सामान्य मानसिक योग्यता को दर्शाता है। ये जो सामान्य तत्व या सामान्य कारक होते हैं ये सामान्य मानसिक योग्यता को दर्शाते हैं, जो ज़्यादातर सभी में पाई जाती है सामान्य रूप से, जिसकी आवश्यकता जीवन के सभी पक्षों में होती है। जीवन के प्रत्येक पक्षों में सामान्य मानसिक योग्यताएं जो होती हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो उनमें कौन सा कारक पाया जाता है? सामान्य कारक। तथा विशिष्ट कारक विशिष्ट योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने जो विशिष्ट तत्व बताया उसमें उसे क्या बताया कि ये जो विशिष्ट कारक होते हैं बुद्धि में वह विशिष्ट योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कुछ लोगों में होती हैं कुछ अलग से कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, जैसे किसी में कोई कला संबंधी योग्यता हुई, किसी में कोई संख्यात्मक कौशल की योग्यता हुई, किसी में कोई डांस संबंधी योग्यता हुई। कुछ ऐसी योग्यताएं विशिष्ट रूप से जो किसी किसी व्यक्ति में ही होती हैं, तो वह उसे किसके अंतर रखा इन्होंने? विशिष्ट कारक के अंतर्गत। और जो सामान्य योग्यताएं होती हैं जो ज़्यादातर सभी में होती हैं उसे इन्होंने रखा सामान्य तत्व के अंतर्गत। तो ये इन्होंने दो कारक बताए। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे इसका है विशिष्ट तत्व का यहाँ पर ये उदाहरण है, कला संबंधी योग्यता और संख्यात्मक संबंधी योग्यता, ये हैं विशिष्ट व्यक्तियों में जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे देखेंगे, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर, क्या अभी क्वेश्चन आए कि किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि बुद्धि भाज्य इकाई है? सबसे पहले तो किसने पहला जो सिद्धांत दिया, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने ने दिया। और उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि में सिर्फ एक कारक होता है, सिर्फ एक तत्व होता है, वही सबके अंदर होता है। लेकिन जो स्पीयरमैन ने, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कितने कारक होते हैं बुद्धि में? दो कारक होते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि बुद्धि भाज्य इकाई है, तो हमेशा आपको लगाना है स्पीयरमैन, क्योंकि स्पीयरमैन ने ही सबसे पहले बताया था कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, मतलब सिर्फ एक नहीं, दो प्रकार की होती है। आगे कई वैज्ञानिक आएंगे जो कई प्रकार की बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत। ये द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत से ही रिलेटेड है। इसको भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। तो वो जो दो कारक बुद्धि का सिद्धांत बताया गया आपको, इसी में कुछ समय बाद संशोधन करके स्पीयरमैन ने और ज़्यादा जांच किया, तो फिर उनको लगा कि बुद्धि में दो नहीं बल्कि तीन कारक होते हैं। तो इन्होंने इसी को अगले सिद्धांत त्रिकारक बुद्धि के सिद्धांत के रूप में इसे दे दिया। तो इसमें क्या कहा गया है, स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में संशोधन कर दो तत्वों के स्थान पर तीन तत्वों का प्रतिपादन किया। ये देखिए यहाँ पर वही बताया गया कि स्पीयरमैन ने ही अपने जो दो कारक वाला सिद्धांत है उसमें संशोधन किया, और जो दो तत्व उन्होंने बताए थे उनकी जगह पर क्या कर दिया? तीन तत्व कर दिया। इस तीसरे तत्व को उन्होंने समूह कहा। इसी को त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत कहा गया। तो तीन तत्व जो दिए, पहले तो दो तत्व थे सामान्य कारक विशिष्ट कारक, लेकिन जो तीसरा तत्व इन्होंने दिया वह हो गया समूह कारक। अब समूह कारक क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हो गया जनरल फैक्टर, सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, और ये हो गया विशिष्ट कारक, स्पेशल फैक्टर। अब इसमें जो ये बीच में आता है जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, जनरल भी आते हैं और विशिष्ट भी आते हैं, तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? समूह कारक के अंतर्गत। तो जनरल और विशिष्ट तो क्लियर हो गए थे कि जो सभी में सामान्य रूप से योग्यताएँ होती हैं वो जनरल कारक हैं,
और जैसे कुछ कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं तो वो क्या है, विशिष्ट कारक। और जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनमें जनरल भी हैं और विशिष्ट भी हैं तो वो किस में आ जाएंगे, समूह कारक में। तो त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने, ये भी क्लियर हो गया। द्विकारक त्रिकारक दोनों स्पीयरमैन ने दिया और एक कारक दिया अल्फ्रेड बिने ने। अब नेक्स्ट देखेंगे बहुकारकी बुद्धि का सिद्धांत। यहाँ पे ये कारकी कारक से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक कारक, द्विकारक, तीन कारक, बहुकारक, समूह से कई सारे सिद्धांत हैं तो इनमें आपको ये समझना जरूरी है कि इसे किसने दिया, और हल्का हल्का समझ लीजिएगा इसमें है क्या, कितने कारक बताए गए हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है, बहुकारकी बुद्धि का सिद्धांत, इसे दिया है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। इन्होंने क्या कहा है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में बहुत से असंख्य कारक होते हैं। अब देखिए इन्होंने तीन से ज़्यादा बढ़ाकर कितना कह दिया, बुद्धि में बहुत से असंख्य कारक होते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक कारक या तत्व एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है तथा वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अब इन्होंने क्या कह दिया कि बुद्धि में बहुत सारे असंख्य कारक होते हैं और जो प्रत्येक कारक होते हैं वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए बुद्धि है और इसी में इसमें ऐसे 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 करके कई कारक हैं, ये एक दूसरे से अटैच नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से हैं। तो ये किसने कहा था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। और इसमें एक चीज़ समझते हैं, जैसे बुद्धि में अनेक कारक बताए गए हैं तो इसमें बहुत से कारक होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब सेम तरह के होते हैं। तो जितने कारक, जितने ज़्यादा कारक एक दूसरे से मिलते हैं तो वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा योग्य होता है, बुद्धिमान होता है उस क्षेत्र में। जिस तरह के कारक एक दूसरे से जितना ज़्यादा मिलेंगे तो वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा योग्य होगा। ये हो गया बहुकारकी बुद्धि का सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे समूहकार की बुद्धि का सिद्धांत, इसे किसने दिया था, इसे दिया था लुईस थर्स्टर्न ने। तब यहाँ पे देखिए आ गया समूहकार की बुद्धि का सिद्धांत, लुईस थर्स्टर्न, इन्होंने क्या कहा था, थर्स्टर्न ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है इन्होंने, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का, और इन्होंने सात प्रकार की प्राथमिक योग्यताओं को बताया है। कौन कौन सी हैं वह, जैसे पहली हो गई आंकिक योग्यता, आंकिक योग्यता मतलब अंकों की पहचान करने की क्षमता, किसकी पहचान करने की क्षमता, आंकिक योग्यता मतलब अंकों की पहचान करने की क्षमता। सात प्रकार की योग्यताओं में पहली हो गई आंकिक योग्यता, अंकों की पहचान करने की क्षमता। दूसरी हो गई शाब्दिक योग्यता, मतलब शब्दों की पहचानने की क्षमता। नेक्स्ट देखेंगे तीसरी कौन सी है, तीसरी है स्थानिक योग्यता। स्थानिक योग्यता में क्या आ जाएगा, स्थानिक योग्यता में अंतर कर सकना। स्थानिक योग्यता में क्या गया कि जैसे कोई स्थान है और वहाँ पर की जो वस्तुएं हैं तो स्थानिक वस्तुओं में अंतर कर सकना, अंतर कर पा रहे हैं या नहीं, तो अंतर कर सकना हो जाएगा स्थानिक योग्यता के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक योग्यता, इसमें क्या आ जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब सम्मुख वस्तुओं के प्रति एवं वातावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या आ जाएगा इसमें कि व्यक्ति के सम्मुख जो वस्तुएं हैं और वातावरण है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान की योग्यता। नेक्स्ट है स्मृति की योग्यता, स्मृति मतलब स्मरण रखने की या किसी चीज़ को याद रखने की योग्यता। नेक्स्ट है तार्किक योग्यता, तर्क करने की योग्यता। नेक्स्ट वाक्य शक्ति योग्यता, तो वाक्य शक्ति योग्यता में क्या आ जाएगा, बोलने की योग्यता, अच्छी तरह कितना अच्छी तरह आप बोल पा रहे हैं तो ये हो जाएगा उसकी योग्यता। तो समूह कार्य के सिद्धांत में लुई थर्स्टर्न ने किसने कितने प्रकार की योग्यताएं बताई हैं, सात प्रकार की। तो सातों प्रकार की योग्यताएं कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट देखेंगे त्रिविमात्मक या त्रिआयामी सिद्धांत, किसने दिया था इसे, जेपी गिलफोर्ड। त्रिविमी या त्रिविमात्मक सिद्धांत इसे दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। इन्होंने क्या कहा था, इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुद्धि संरचना सिद्धांत किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं त्रिविमात्मक या त्रिआयामी सिद्धांत को, जिसे दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक योग्यता तीन तत्वों, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद से निर्मित होती है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ये जो इस सिद्धांत के अनुसार जो मानसिक योग्यता होती है वह किन तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये तीनों तत्व इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। कौन से तीन तत्व इन्होंने कहा था, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद,
क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है, तीनों में से कोई एक दे दे या तीनों दे के इनमें से सभी कर दे। आगे देखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार मूल तत्व संक्रिया में 5 उपखंड, विषय वस्तु में 4 उपखंड तथा उत्पाद आयाम में 6 उपखंड बताए गए हैं। तो कितने बताए गए हैं? संक्रिया में देखिए 5 बताए गए, विषय वस्तु में कितने बताए गए? 4 बताए गए, और उत्पाद जो लास्ट वाला था उसमें कितने बताए गए? 6 उपखंड बताए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, 5, 4 और 6। आगे है, गिलफोर्ड के अनुसार इन तीनों का संयोग होने पर संबंधित बुद्धि के खंड में 5×4×6=120 वर्ग होंगे। तो कितने वर्ग होंगे? इन सभी का गुणा कर दिया जाएगा, 5×4×6=120। तो इन सभी को जब संयोग करेंगे तो कितने वर्ग बनेंगे? 120 वर्ग बनेंगे। तो यही था गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, या इसी को त्रिविमात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है फिगर में, देखते हैं इसको थोड़ा। ये देखिए, ये आकृति है, ये इसका ऊपरी वाला जो भाग है ये है संक्रियाएं, ये वाला जो भाग है ये हो जाएंगी विषय वस्तुएं, और इधर वाला जो ये भाग है ये हो जाएगा उत्पाद। अब देखिए, संक्रियाएं जो थी उनको कितने कितने उपखंड थे? उसके 5 उपखंड थे। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये, पांचवा ये। अब आगे आपको बताया जाएगा कि 5 कौन कौन से थे। तो यहाँ पर संक्रिया के 5 उपखंड हैं, और उसके बाद विषय वस्तु देखेंगे। तो विषय वस्तु का 1, 2, 3 और 4, 4 हैं इसमें। तो ये देखिए, इसमें 4 बताए भी गए थे कि विषय वस्तु के 4 उपखंड, और फिर लास्ट में क्या बचा था? उत्पाद। उत्पाद के कितने उपखंड बताए गए थे? 6 उपखंड बताए गए थे। देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 6, 5, 4 इन्हें सब अभी आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पर बस ये समझ लीजिए कि ये किसका सिद्धांत था? जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी या त्रिविमात्मक सिद्धांत, इसे थ्री डायमेंशनल सिद्धांत भी कहते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, बाद में गिलफोर्ड ने 1988 में एक और मॉडल तैयार किया, उसमें क्रमशः 6, 5 और 6 उपखंड हैं। उसमें कितने उपखंड थे? संक्रिया में 6 कर दिए, पहले वाले में 5 थे, और इसमें विषय वस्तु में 5 कर दिए, पहले वाले में 4 थे, और उत्पाद में 6 ही, पहले भी 6 थे बाद में भी 6। तो इन्होंने 2 में 1-1 बढ़ा दिए। इनका संयोग होने पर संबंधित बुद्धि के खंड कितने हुए? 6×5×6=180 वर्ग होंगे। तो जैसे कभी क्वेश्चन आए कि जेपी गिलफोर्ड ने कितने के सिद्धांत में कितने वर्ग थे, तो कितना लगाना है? 120। अगर कभी ये पूछा जाए कि जो बाद में इन्होंने दिया सिद्धांत, तो उसमें कितने वर्ग थे? तो उसमें थे 180, मतलब ये बाद वाला था और ये पहले वाला था। अब आगे देखेंगे, संक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से 5 उपखंड हैं, विषय वस्तु में कौन से 4 उपखंड हैं, और उत्पाद में कौन से 6 उपखंड हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर बुद्धि प्रणाली, इससे हम समझेंगे। तो सबसे पहला ये है संक्रियाएँ, संक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से 5 उपखंड दिए गए हैं? संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। विषय वस्तु में कौन कौन से 4 हैं? आकृतिक, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ विषयक और व्यवहारात्मक। उत्पाद में 6 दिए गए हैं, कौन कौन से? इकाइयां, वर्ग, संबंध, व्यवस्थाएं, रूपांतरण और निहितार्थ। तो ये कंप्लीट हुए बुद्धि प्रणाली में संक्रियाएँ, विषय वस्तु और उत्पाद। ये तीनों ही वर्ड आपको याद रखना है, इनको याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये तीनों हैं। अब आगे देखेंगे, संक्रियाएं क्या होती हैं, विषय वस्तु क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संक्रियाएं क्या होती हैं। संक्रिया यह व्यक्ति के द्वारा की गई मानसिक प्रक्रिया से संबंधित होता है। किस प्रक्रिया से संबंधित होता है? व्यक्ति जो अपनी मानसिक रूप से प्रक्रिया जो करता है उससे संक्रियाएं संबंधित होती हैं। इसमें किसी कार्य में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं की व्याख्या होती है। क्या होता है संक्रिया में? कि व्यक्ति जैसे कोई कार्य कर किसी कार्य में अपनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करता है, तो उसकी व्याख्या किस में होती है? संक्रिया में। जैसे अभी आपको बताया गया कि संक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संज्ञान, स्मृति, अभिकेंद्रीय चिंतन और अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। ये सब किसके अंतर्गत आते थे? संक्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे विषय वस्तु।
विषय वस्तु क्या होता है, इसमें सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं। तो ये क्या हो गया, विषय वस्तु, इसमें सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं। और सूचनाएं जो होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में, कौन कौन से, आकार, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। नेक्स्ट है उत्पादन, उत्पादन में क्या होता है, इसका अर्थ किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम से होता है। तो उत्पादन क्या होता है, परिणाम होता है, किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा जब कोई संक्रिया की जाती है, क्या किया जाता है, विषय वस्तु द्वारा जब कोई संक्रिया की जाती है तो उसका जो परिणाम प्राप्त होता है तो उसका किससे अर्थ होता है, उत्पादन से। उत्पादन के अंतर्गत आपको 6 उपखंड बताए गए थे, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण और प्रयोग। अब नेक्स्ट देखेंगे बुद्धि का तरल एवं क्रिस्टली सिद्धांत, किसने दिया था इसे, कैटल ने दिया था। कैटल ने बुद्धि सिद्धांतों के अनुसार सामान्य बुद्धि 2 कारकों की बनी होती हैं। याद रखिएगा इसे कि तरल एवं क्रिस्टली सिद्धांत किसने दिया था, कैटल ने दिया था। इनके अनुसार कितने कारकों की बुद्धि बनी होती है, 2 कारकों की, कौन कौन से हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये जो तरल बुद्धि होती है ये जन्मजात होती है, कैसी होती है, जन्मजात होती है, जन्मजात योग्यता होती है, और जो ठोस बुद्धि होती है यह अर्जित योग्यता होती है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, तरल बुद्धि जन्मजात योग्यता, ठोस बुद्धि अर्जित योग्यता। और तरल बुद्धि में क्या होता है, तरल बुद्धि में तर्क करने, चिंतन करने, समस्या की समाधान निकालने करने की क्षमता होती है, और जन्मजात क्षमता होती है, मतलब जन्म से ही किसी व्यक्ति में ये क्षमताएं होती हैं, तर्क करने, चिंतन करने, समस्या का समाधान करने की। लेकिन जो ये ठोस बुद्धि होती है यह एक अर्जित योग्यता होती है, और इसे प्रशिक्षण से या किसी कौशलों द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। तो ठोस बुद्धि को कैसे प्राप्त किया जाता है, प्रशिक्षण से अर्जित होती है, तरल बुद्धि को जन्म से ही होती है, और कौन कौन सी योग्यताएं होती है, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, ये सब योग्यताएं होती हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत, किसने दिया था इसे, हावर्ड गार्डनर ने, इसे भी ध्यान दीजिएगा, 1983 में दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने। इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। क्या कहा इन्होंने कि इन्होंने कहा है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि ये जो बुद्धि है वह भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। ना इन्होंने कारक यूज किया, ना इन्होंने यहाँ पर तत्व यूज किया। क्या कहा इन्होंने कि जो बुद्धि होती है उसमें भिन्न भिन्न बुद्धियाँ होती हैं, कई सारी बुद्धियाँ होती हैं, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इन्होंने भी वही कहा कि प्रत्येक बुद्धि जो होती है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो यह अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, कम होगी या कितनी होगी। ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक जो बुद्धि है इसमें ये कई सारी ऐसे ऐसे बुद्धियाँ होती हैं और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बुद्धि में ये मान लीजिए तीनों बुद्धि एक तरह की हैं, ये अधिक हैं, क्या हैं, तीनों बुद्धि एक तरह की हैं, तो इसमें कोई व्यक्ति इस बुद्धि में होशियार है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि ये जो और बुद्धियां हैं इनमें वह होशियार है, कमज़ोर है, या क्या है, या कितनी बुद्धियां हैं, कम हैं, अधिक हैं, या कितनी बुद्धियां हैं, इनके बारे में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते सिर्फ इसको देखकर। तो ये हो गया बहुबुद्धि का सिद्धांत, दिया था हावर्ड गार्डनर ने, और यहाँ से सिद्धांत बुद्धि के कम्प्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धि का सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम बुद्धि में कितने परीक्षण किए गए, किनके किनके द्वारा किए गए, ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुद्धि के विभिन्न परीक्षणों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।